हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम है म्यूचुअल फंड। आप लोग टीवी पे हमेशा एक एडवर्टीजमेंट देखते हैं और उस एडवर्टीजमेंट के लास्ट में हमेशा ये लाइन बोली जाती है दैट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, राइट? ये लाइन आप हमेशा हर बार सुनते हैं और आपके दिमाग में बहुत बार ये क्वेश्चन आता होगा कि सर ये म्यूचुअल फंड क्या होता है और क्या ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है या ये स्टॉक मार्केट से डिफरेंट है, ये एग्जैक्टली है क्या एंड हाउ वी कैन इन्वेस्ट इन दिस फंड। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड एग्जैक्टली क्या होता है, किस तरीके से काम करता है और कैसे हम इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हमें स्टॉक मार्केट की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहले हमें स्टॉक मार्केट की नॉलेज हो, हम एक डीमैट अकाउंट ओपन करवाएं, डीमैट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाएं, उसके बाद हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम सही कंपनी के शेयर खरीदें, क्योंकि अगर हमने गलत कंपनी के शेयर्स को परचेज किया तो हो सकता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ने की जगह कम भी हो सकता है। लेकिन ये नॉलेज हर इंसान को नहीं होती। जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो फाइनेंशियल मार्केट में बहुत अच्छी नॉलेज रखते हों। सो इन दैट केस हम इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं? हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी से पूछकर इन्वेस्ट कर लिया, किसी मीडिया में, न्यूज़ चैनल में देखकर, टीवी में देखकर इन्वेस्टमेंट कर दिया। और रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये होता है कि वो स्टॉक का प्राइस बढ़ता तो नहीं है, इनफैक्ट गिर जरूर जाता है और लोगों का स्टॉक मार्केट से फेथ खत्म हो जाता है। तो लोग सोचते हैं क्यों ना इन्वेस्ट करें बैंक्स में, FDs में, इंश्योरेंस में। लेकिन देखिए, बैंक्स में, FDs में, इंश्योरेंस में या डेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से, PF में जो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं अपना, प्रोविडेंट फंड में, इन सब में इन्वेस्ट करने से रिटर्न तो मिलता है, लेकिन वो रिटर्न ज़्यादा रिटर्न नहीं होता। 6%, 8%, 10% मैक्स टू मैक्स रिटर्न इन सब इंस्ट्रूमेंट से मिलता है। तो अब म्यूचुअल फंड का रोल यही इंपॉर्टेंट है और यही एंट्री होती है म्यूचुअल फंड की। तो आइए समझते हैं म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। मान लीजिए मैं एक एक्सपर्ट हूँ, मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है स्टॉक मार्केट के बारे में, और मैं आपको आके बोलता हूँ कि क्यों ना आप मेरे थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, यानी कि आप अपना पैसा मुझे दीजिए और आपके पैसे को इन्वेस्ट करने का काम मैं करूँगा स्टॉक मार्केट में, और जितना भी रिटर्न होगा वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अब देखिए, मैं स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट हूँ, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप इनडायरेक्टली मेरे थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने आपका पैसा लिया, वैसे ही मैंने आपके फैमिली, फ्रेंड्स, जानने वाले, रिलेटिव्स और भी कुछ लोगों से मैंने बात करी और उन सब लोगों का पैसा मैंने लिया। उन सब लोगों का पैसा मैंने लेकर उस पैसे का मैंने एक पूल बनाया। पूल दैट मीन्स कि मैंने उस पैसे को इकट्ठा किया। उस पैसे का जब मैंने एक पूल बना लिया और पूल बनाने के बाद उस पैसे से मैंने अलग अलग कंपनीज के स्टॉक खरीदे। अलग अलग कंपनीज के स्टॉक इसलिए खरीदे क्योंकि मान लीजिए कि अगर मैं किसी एक कंपनी के स्टॉक खरीदता और अगर उसका स्टॉक गिर जाता तो सबका पैसा डूब जाता। तो मैंने आप सबका पैसा लिया और आप सबके पैसे को आप सबके म्यूचुअल बेनिफिट के लिए इन्वेस्ट किया। तो आप सबका पैसा मैंने आप सबके म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके बेनिफिट के लिए मैंने इस पैसे को इन्वेस्ट किया है। दैट इज व्हाई, इसीलिए हम इसे कहते हैं म्यूचुअल फंड। अब मैंने आपके पैसे को अलग अलग कंपनीज के शेयर्स में, स्टॉक्स में, शेयर्स में, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया। अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करने से बेनिफिट ये हुआ कि मान लीजिए अगर किसी एक कंपनी का स्टॉक का प्राइस नीचे गिर भी गया तो बाकी कंपनीज के स्टॉक से हम अच्छे रिटर्न अर्न कर सकते हैं, क्योंकि मैं सारा टाइम स्टॉक मार्केट की रिसर्च में बिताता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि कौन सी कंपनी के स्टॉक को खरीदना है और कौन सी कंपनी के स्टॉक को कब सेल करना है। सर आप कौन हैं? मैं म्यूचुअल फंड कंपनी हूँ और स्टॉक मार्केट में मेरी जैसी कंपनी को एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहा जाता है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जो म्यूचुअल फंड के सारे पैसे को इन्वेस्ट करती है। तो आपके बिहाफ पे आपका सारा का सारा पैसा मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ।
और मैं इस बात को इंश्योर करूंगा कि आपको मैक्सिमम रिटर्न्स मिले। और ये काम करने के लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी में बहुत सारे स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स काम करते हैं। वो स्टॉक मार्केट की हर एक मूवमेंट की स्टडी करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपके पैसे को वो इन्वेस्ट करते हैं। देखिए, एसेट मैनेजमेंट कंपनी कभी भी इस बात की गारंटी नहीं देती कि आपका पैसा डबल होगा, लेकिन उनकी पूरी कोशिश रहती है कि वो आपके पैसे के अच्छे रिटर्न्स आपको ऑफर कर सकें। म्यूचुअल फंड्स में नॉर्मली अगर आप अलग अलग वेबसाइट्स पर जाके चेक करेंगे तो 15%, 20%, 25% रिटर्न्स भी मिल जाते हैं। इतने अच्छे रिटर्न्स ना तो FD में मिलते हैं, ना ही बैंक में मिलते हैं, और भी किसी भी तरह के इंस्ट्रूमेंट में ऐसे रिटर्न नहीं मिलते जो म्यूचुअल फंड्स में मिलते हैं। अब जरा बात करते हैं कि हर इंसान की अलग अलग ज़रूरत होती है। किसे रिस्क लेना पसंद है, किसे सेफ इन्वेस्टमेंट करना पसंद है, किसे रिस्क भी लेना है और सेफ इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। तो हर इंसान की अपनी अपनी ज़रूरतें हैं और उसी के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड कंपनी अपनी अपनी स्कीम्स ऑफर करती हैं। ये स्कीम का मतलब क्या होता है? देखिए, स्कीम बेसिकली मींस म्यूचुअल फंड कंपनी ये पूछेगी किसी इंसान से, किसी भी इन्वेस्टर से, कि अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा ना डूबे, आपके पैसे के आपको फिक्स रिटर्न मिले, तो आप हमारी डेब्ट स्कीम में इन्वेस्ट कर दीजिए। डेब्ट स्कीम में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट क्या होता है? तो अगर मैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मैं किसी इन्वेस्टर से मिलता हूँ और उसने मुझे कहा है कि आप मेरे पैसे को डेब्ट फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए, तो मैं उसके पैसे से सिर्फ और सिर्फ डेब्ट सिक्योरिटीज़ खरीदूंगा, जैसे कि डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, जिनमें कि फिक्स्ड रिटर्न मिलते हों। इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट ये होगा कि जिस इन्वेस्टर ने मेरी कंपनी के थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है, उसका पैसे की सेफ्टी इंश्योर होगी। अगर कोई इन्वेस्टर ये कहता है कि मुझे बहुत अच्छे रिटर्न्स चाहिए, मुझे ग्रोथ चाहिए, मेरे पैसे की रैपिड एप्रिसिएशन होनी चाहिए, तो ऐसे इन्वेस्टर को मैं बोलूँगा कि आप इन्वेस्ट कीजिए इक्विटी फंड में। तो उसे मैं इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करने की सलाह दूंगा। जैसे कि कंपनीज शेयर्स ऑफर करती है ना, वैसे ही म्यूचुअल फंड कंपनीज स्कीम ऑफर करती हैं, और म्यूचुअल फंड कंपनी अपनी स्कीम्स के थ्रू अलग अलग इन्वेस्टर्स को टारगेट करती हैं। तो एक इन्वेस्टर ने मुझे ये कहा कि मुझे तो बहुत अच्छी ग्रोथ चाहिए, तो मैंने कहा नो प्रॉब्लम, मैं आपको सर इक्विटी स्कीम या हाई ग्रोथ स्कीम ऑफर करता हूँ। हाई ग्रोथ स्कीम में मैं आपके पैसे को ऐसी कंपनीज के स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगा जिनका शेयर का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकता है, लेकिन पैसा यानी कि इन्वेस्टमेंट आपका कम भी हो सकता है उन कंपनीज के स्टॉक में इन्वेस्ट करने की वजह से। तो मैं हाई ग्रोथ वाली कंपनीज में आपकी आपका पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश करूँगा या इन्वेस्ट करूँगा, बट देर इज नो गारंटी एज आई अर्लियर सेट। तो म्यूचुअल फंड में ना इन्वेस्टमेंट की कोई गारंटी नहीं होती। जब आप किसी कंपनीज के शेयर को परचेज करते हैं तो आप पैसा देते हैं उस कंपनी को, आपके फंड्स कंपनी के पास पहुंचते हैं और कंपनीज आपको शेयर्स देती है और उन शेयर्स पे आपको डिविडेंड मिलता है। बट इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन ए म्यूचुअल फंड कंपनी, अगर आप किसी म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड कंपनी आपको बदले में यूनिट्स इशू करती है। यस, एक फंड होता है और उस फंड की यूनिट्स आपको इशू करती है। तो वो जो फंड होता है, वो जो स्कीम होती है, उसकी यूनिट के अकॉर्डिंग आपका रिटर्न कैलकुलेट किया जाता है, जिसके थ्रू आपके रिटर्न को ईजिली कैलकुलेट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, एक रियल एस्टेट कंपनी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रही है, एक रियल एस्टेट कंपनी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रही है और उस प्रोजेक्ट में मान लीजिए देयर 100 फ्लैट्स। तो ये जो 100 फ्लैट्स वाली जो स्कीम है, इसे हम मान लेते हैं कि ये म्यूचुअल फंड कंपनी की स्कीम है, क्योंकि मैं यहाँ फ्लैट की स्कीम को और म्यूचुअल फंड की स्कीम को कंपेयर करने वाला हूँ। अब उस पूरी स्कीम में अगर आपने 2 फ्लैट्स लिए हैं और एक एक फ्लैट की वैल्यू है 10 लाख रुपीस ईच, तो 2 फ्लैट्स की प्राइस क्या हो गई? 20 लाख रुपीस। एक साल के बाद वो जो पूरा प्रोजेक्ट था, उसकी जो टोटल कॉस्ट थी वो 100 करोड़ थी और वो बाद में बढ़कर हो गई है 200 करोड़ रुपीस। अब आपने उस फ्लैट में, आपने 2 फ्लैट्स खरीदे थे और एक फ्लैट की वैल्यू बढ़कर हो गई है 15 लाख,
तो दो फ्लैट्स की वैल्यू बढ़कर कितनी हो गई, दो फ्लैट्स की वैल्यू बढ़कर हो गई 30 लाख रुपीज। यानी कि आपने इन्वेस्टमेंट किया 20 लाख रुपए का और आपको रिटर्न कितना मिला, रिटर्न मिला 10 लाख रुपए का, क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अब 30 लाख रुपए हो गई है। सेम केस म्यूचुअल फंड की स्कीम में होता है। म्यूचुअल फंड की जो एक स्कीम होती है उसकी एक वैल्यू होती है। मान लीजिए इक्विटी स्कीम एक म्यूचुअल फंड कंपनी ने लॉन्च की है और वो जो इक्विटी स्कीम है उस इक्विटी स्कीम में आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनी डेली उस स्कीम की चेंज्ड वैल्यू यानी कि नेट असेट वैल्यू को डिक्लेयर करती है। तो आपने जब उस स्कीम में इन्वेस्ट किया था तब उस स्कीम की वैल्यू थी 100 करोड़ रुपीज और आपका इन्वेस्टमेंट उन 100 करोड़ में से था सिर्फ 10 लाख रुपीज। अगर वो स्कीम की वैल्यू यानी कि नेट असेट वैल्यू बढ़ गई है तो आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गया है। लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है कि टोटल स्कीम के साइज में, टोटल फंड साइज में आपका इन्वेस्टमेंट कितना था। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कम किया है तो रिटर्न भी उसी रेशियो में मिलेगा जिस रेशियो में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, और अगर आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो नो डाउट आपका रिटर्न भी ज्यादा होगा। सो नेट असेट वैल्यू एक स्कीम से हम किसी भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर का रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया कि म्यूचुअल फंड किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए हम सिंपली किसी भी वेबसाइट को ऑनलाइन जाकर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इनफैक्ट रिसेंटली सेबी ने यह प्लान किया है कि अब म्यूचुअल फंड ऑनलाइन वेबसाइट्स यानी कि फ्लिपकार्ट अमेज़न के थ्रू भी अवेलेबल होगा। म्यूचुअल फंड की एक खास बात और है कि म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए हमें डीमैट अकाउंट की जरूरत ही नहीं होती, और द बेस्ट पार्ट इज म्यूचुअल फंड से पैसा हम कभी भी किसी भी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं। यस, सो लिक्विडिटी म्यूचुअल फंड में हमेशा अवेलेबल होती है, लिक्विडिटी अवेलेबल होती है, डाइवर्सिफिकेशन अवेलेबल होता है, और म्यूचुअल फंड सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में कंपेरेटिवली लेस रिस्की होता है। सो ये मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया अबाउट म्यूचुअल फंड। आई रियली होप इस वीडियो से आप समझ जाएंगे कि सर म्यूचुअल फंड के क्या क्या बेनिफिट्स है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू सो मच।